दिल्ली में कोरोना केसों ने बढ़ाई टेंशन, सीएम केजरीवाल आज 12 बजे करेंगे हाई लेवल मीटिंग, लगातार बढ़ रहे हैं मामले। रामनवमी पर देश के कई शहरों में बवाल, 70 से ज्यादा की गिरफ्तारी, शोभा यात्रा पर पथराव, दर्जनों गाड़ियां फूकी। इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा, मंदिर में कन्या पूजन के दौरान बावड़ी धसी, 50 से ज्यादा गिरे, 27 की मौत। मिशन दक्षिण पर बीजेपी आज तेलंगाना का दौरा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी ताकत, आज लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च रैली निकालेगी कांग्रेस, प्रभारी की हुई नियुक्ति। बिहार में छिड़ेगा सियासी घमासान, आज होगा विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव, 48 प्रत्याशी मैदान में। यूपी सरकार का फैसला, सरकारी स्कूलों में अब बिना परीक्षा प्रमोट होंगे कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स। आज आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम का रिजल्ट, मैट्रिक का परिणाम भी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर करेंगे जारी, आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजे देख सकते हैं छात्र। आज से शुरू होगा क्रिकेट महासंग्राम, 10 टीमें एक दूसरे से भिड़ने को तैयार, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस टीम के बीच होगा पहला मुकाबला। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम, आज फिर होगी बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बरसेंगे बादल। चिली में भूकंप के जबरदस्त झटके, रिएक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई तीव्रता, कई इमारतें गिरी। तुर्की ने नाटो में फिनलैंड की सदस्यता को मंजूरी दी, आखिरी बाधा हटाई, चिढ़ा चीन। वर्ल्ड बैंक के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए भारतीय मूल के अजय बंगा, यूएस समेत कई बड़े देशों का समर्थन। पाकिस्तान में भुखमरी का कहर, मुफ्त आटे के लिए मची भगदड़, अब तक 5 लोगों की गई जान। डोनाल्ड ट्रंप पर पोर्न स्टार से जुड़े मामले में चलेगा केस, अगर हुई सजा तो ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति होंगे। अर्थव्यवस्था को लेकर आरबीआई उठाएगा बड़ा कदम, आज स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को 5,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी फैसिलिटी देगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी, 46% हो सकता है महंगाई भत्ता, आज शाम डीए पर होगा बड़ा ऐलान। लंबे इंतजार के बाद आज आएगी विदेश व्यापार नीति, ई कॉमर्स कारोबार सुगमता को प्रोत्साहन देने पर होगा जोर, 2,00,000 करोड़ डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने पर फोकस। कंपनियों ने जारी किया पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर। 27,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 6,000 करोड़ की हुई डील।